सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है एक खबर का। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खाली मनोनयन वाली 6 सीटों के लिए भाजपा नेताओं का मंथन जारी है। राजधानी लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हुई, वहीं मनोनीत कोटे की 6 सीटों के लिए 22 नामों पर चर्चा हुई और सीएम योगी के जरिए नाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भेजे जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में होने वाली संगठन बैठक में नामों पर फिर से चर्चा होगी। बता दें, एमएलसी के लिए रेस में भाजपा के कई नेताओं के नाम शामिल हुए। रजनीकांत महेश्वरी मानवेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा रजनीकांत महेश्वरी मानवेंद्र सिंह, ब्रिज बहादुर संतोष सिंह और प्रियंका रावत का नाम भी शामिल है। बता दें कि इन लोगों का नाम शामिल हो सकता है। दरअसल अप्रैल और मई में विधान परिषद की 6 सीटें खाली हुई हैं। विधान परिषद के नामों पर चर्चा। यूपी बीजेपी के नेता आज नामों पर मंथन। बीजेपी के नेताओं को नए साल पर मिल सकता है तोहफा। अंतिम मोहर लगाएगा हाई कमान। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, गौरव श्रीवास्तव। गौरव, बीजेपी की 6 सीटों खाली के लिए आज मंथन किया गया है, किन किन नामों को शामिल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ मंथन किया गया। भूपेन्द्र चौधरी यहाँ पर शामिल थे, इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर शामिल थे। मंथन हुआ है और तमाम नाम सामने आ रहा है और लगभग 22 नामों पर यहाँ चर्चा हुई है। अगर उन्होंने मुख्य रूप से बात करें नंदिनी, तो यहाँ पर रजनीकांत महेश्वरी के नाम चर्चा में है, संतोष सिंह का नाम चर्चा में है, काशी क्षेत्र से बीजेपी के अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव का नाम चर्चा में है, बुंदेलखंड से कुंवर मानवीर सिंह का नाम चर्चा में है। इसके अलावा बाराबंकी पूर्व सांसद प्रियंका रावत का नाम भी चर्चा में है, तो ब्रज बहादुर का नाम भी चर्चा में है। अब किसका यहाँ पर चयन होगा, किसको यहाँ मनोनीत किया जाएगा और किसके नामों पर चर्चा करके उसकी लिस्ट यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे, वो फिलहाल प्रश्न है। फिलहाल जो चर्चा चल रही है, 22 नामों पर चर्चा हुई है, फिलहाल 6 से 7 नाम ऐसे हैं जिनमें चर्चा चल रही है। जी, क्या लगता है कि इन जितने भी नाम शामिल हैं, इनमें सबसे आगे कौन हो सकता है? देखिए, 6 नाम यहाँ पर मनोनीत होने हैं और यहाँ तमाम नामों की चर्चा में बताया, ब्रज बहादुर सिंह है, संतोष सिंह है, बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष मानवीर सिंह है, इसके अलावा काशी से अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव भी हैं, प्रियंका रावत भी हैं, रजनीकांत माहेश्वरी भी हैं, तो तमाम यहाँ पर नाम की चर्चा यहाँ पर नंदिनी हुई है। अब वो फैसला हाईकमान करेगी और हाईकमान करने के बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो लिस्ट बनाकर राज्यपाल को सौंपेंगे और वहाँ पर राज्यपाल उन 6 लोगों को यहाँ पर मनोनीत करेंगी विधान परिषद की सदस्यता के लिए, जो कि अभी हाल में ही अप्रैल और मई में खाली हुई थी। जी, तो क्या लगता है अभी जिस तरीके से अभी एमएलसी का चुनाव होगा बीजेपी के लिए, फिर अभी नगर निकाय चुनाव के लिए भी तैयारी कर रही होगी? देखिए, एमएलसी का चुनाव होता है, इससे पहले भी चुनाव हुआ है, पर चूंकि 6 सीटों को आप बीजेपी को यहाँ पर अधिकार है और व्यवस्था है, क्योंकि सीटें ज्यादा है वहाँ के विधायक दल की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्देश्य है कि 6 सीटों पर उन लोगों को यहाँ पर शामिल किया जाए, उन लोगों को यहाँ विधान परिषद का सदस्य बनाया जाए जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और लगातार पार्टी में बिल्कुल सत्यता के साथ कर्मठता के साथ यहाँ पर काम करते रहते हैं। और यहाँ पर एक प्रकार से विधान परिषद के जो मनोनीत होते सदस्य उनको पार्टी की तरफ से एक इनाम होता है, तोहफा किनको मिलेगा, रजनीकांत महेश्वरी को मिलेगा, संतोष सिंह को मिलेगा, ब्रज बहादुर सिंह को मिलेगा, इसके अलावा महेश श्रीवास्तव और मानवेंद्र सिंह या प्रियंका रावत किसको मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर यहाँ पर नंदिनी, पर इस मनोनीत की व्यवस्था के चलते यहाँ पर इनाम भी मिलेगा और साथ ही साथ तमाम तरह के समीकरण भी सारे जाएंगे कि निकाय चुनाव भी होने वाला है। अभी 27 दिसंबर को हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है ओबीसी आरक्षण पर, उसमें फैसला भी 27 दिसंबर यानी कल आ जाएगा। अब देखने वाली बात होगी चुनाव अभी होते हैं बाद में होते हैं, चुनाव पर भी संशय लगातार बना हुआ है कि अगर चुनाव की बात करें तो 10 से 12 फरवरी तक इन्वेस्टर समिट भी उत्तर प्रदेश में होनी, लखनऊ में होनी है, तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी यहाँ पर होगी और कहीं ना कहीं अब बोर्ड परीक्षाएं भी हैं उसको देखते हुए भी यहाँ पर एक तमाम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल बीजेपी चूंकि हमेशा चुनावी मोड में रहती है, वहाँ पर हमेशा संगठन स्तर की बैठक चलती रहती है और हर एक कदम सोच समझ कर सोच विचार कर यहाँ पर बीजेपी उठाती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव।
वहीं अखिलेश यादव लगातार विधायक बचाओ अभियान के जरिए जेल यात्रा कर रहे हैं। जहां आजमगढ़ में अखिलेश ने रमाकांत यादव से मुलाकात की, वहीं हाल ही में सपा अध्यक्ष कानपुर दौरे पर गए थे, जहां इरफान सोलंकी से मुलाकात की। लेकिन अखिलेश की यात्रा यही नहीं रुकी, जहां उन्होंने पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मुलाकात की। बता दें कि दीप नारायण यादव बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। बता दें कि उपचुनाव के बाद लगातार अखिलेश यादव का दौरा जारी है, वो लोगों से जेलों में जाकर मुलाकात कर रहे हैं। वहीं रमाकांत यादव से उन्होंने मुलाकात की, इसके बाद इरफान सोलंकी से भी मुलाकात की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल, उपचुनाव के बाद लगातार अखिलेश यादव का दौरा जारी है। जी नंदिनी, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से लगातार समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, लगातार उनको मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जिस हिसाब से ये रिजल्ट आए थे पिछले चुनावों के, उस चुनाव जिस हिसाब से अखिलेश यादव एक्टिव हुए हैं, क्योंकि लगभग जितने भी जिले में जहां जहां पे इनके कार्यकर्ता जेल में है या तो फिर किसी ना किसी पे कार्रवाई हुई है, उनसे जाके मिल रहे हैं। क्योंकि पिछले कई समयों से अखिलेश यादव पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठ रहा था कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, अगर कार्यकर्ता बुरे समय पे है फिर भी नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के समान में ही जिस हिसाब से अखिलेश अब लोगों से मिलना चालू किया है, तो वाकई में इससे उनके कार्यकर्ताओं का एक हौसला अफजाई होता है। उसके साथ ही एक जब सपा के समय पे उनके पुराने मंत्री और आजम खान जेल में रहे थे, जेल में भी उनके ऊपर बड़ा प्रश्न उठा था कि आखिर क्यों नहीं सपा अध्यक्ष या सुप्रीमो है, लोगों से मिल रहे हैं, ना तो आजम खान से मिल रहे हैं, ना तो किसी भी ऐसे पार्टी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब प्रश्न उठा था, तो वर्तमान में जिस हिसाब से नगर निगम निकाय चुनाव पास में आ गए हैं, इसके चलते अखिलेश यादव भी एक्टिव हो गए हैं, और जितने भी कार्यकर्ता इस टाइम पीड़ित हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस से, जैसा कि उनका कहना है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस टाइम दौरा कर रहे हैं। जी अनिल, देखा जाए तो उन्होंने अभी इरफान सोलंकी से मुलाकात की, लेकिन इरफान सोलंकी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार उन पे मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं देखा जाए तो। जी, जिस हिसाब से इरफान सोलंकी पे अभी वर्तमान में जेल में है, और वह इस समय कानपुर से बाहर एक महाराजगंज जेल में भेज दिया गया है, क्योंकि एक इस प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव कानपुर आए थे, कानपुर आने के बाद इनकी मुसीबतें और बढ़ गई, उसके अगले दिन ही कानपुर से इनको दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, और उस गैंग का मुखिया बताया गया है, लगभग 14 मुकदमे थे, आज तीन मुकदमे और लगा दिए गए हैं, टोटल 17 मुकदमे हो गए हैं, और 17 मुकदमे होने के बाद आज उनके ऊपर जो गैंगस्टर लगाई गई है, कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी पूरी तरीके से गिरते हुए चले जा रहे हैं, और वर्तमान में जो सरकार है, सरकार का वहीं आज अमिताभ वाजपेयी से जब बात की गई, तो अमिताभ वाजपेयी का सीधा सा कहना था कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, क्योंकि वो सपा के कार्यकर्ता है, सपा के विधायक है, उनके ऊपर लगातार इसी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से इरफान सोलंकी के ऊपर लगातार मुकदमे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी के लिए आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। जी, हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ है। गौरव, आज उन्होंने झांसी में जाकर, अखिलेश यादव ने झांसी में जाकर दीप नारायण यादव से मुलाकात की है। जी बिल्कुल नंदिनी, शायद अखिलेश यादव अब अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का यहाँ काम कर रहे हैं। आजिफ खान 27 महीने वहाँ जेल मिलने नहीं गए। इसके अलावा बरेली में जब वहाँ से विधायक सरजील इस्लाम का जो पेट्रोल पंप था और जो उनकी बिल्डिंग थी उसको गिराया गया, तब भी वहाँ पर अखिलेश यादव मिलने नहीं गए थे। तो कहीं ना कहीं नाराजगी का दौर जारी था, जिस तरह से तमाम तरह के लेटर वायरल हो रहे थे, और आजिफ खान के मीडिया प्रभारी रहे, उन्होंने भी तमाम तरह के आरोप लगाए थे कि अखिलेश यादव डर गए हैं और वो अपने नेताओं से अपने साथियों से मिलने नहीं जा रहे हैं। तो शायद उसी गलती सबक लेते हुए अखिलेश यादव यहाँ पर रमाकांत यादव से भी मिलने गए, तो उसके बाद उनकी मुलाकात इरफान सोलंकी से हुई, कानपुर में हुई, हालांकि उनको अब महाराजगंज की जेल शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अब आज अखिलेश यादव ने दीप नारायण सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के गरौठा पूर्व विधायक रहे हैं, उनसे मिलने गए, तो झांसी जेल में निरुद्ध है। तो इस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि नंदिनी, अब अखिलेश यादव अपने जो कार्यकर्ता है, जो मेहनत किए उन्होंने, जिनके उनके साथी हैं, उन साथियों से बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी मंथन के यहाँ पर लगातार मिल रहे हैं। अब इसको चुनावी सरगर्मी कहिए या पुरानी गलतियों सबक लेते हुए नया पहल कहिए, फिलहाल ये पहल समाजवादी पार्टी द्वारा लेट की गई है।
आजम खान से मिलने जाना चाहिए था, सजीद शाम से मिलने जाना चाहिए था, पर वही कहा जाता है ना देर आज दुरुस्त आए, और फिलहाल दुरुस्त आए और यहाँ पर लगातार उनका दौरा जारी है। जो दौरे उनके लोगों के लिए है, जो दौरे उनके साथियों के लिए, जो दौरे उनके कार्यकर्ताओं के लिए है, जो दौरे उनके विधायकों के लिए है, अगर उसको विधायक बचाओ आंदोलन कहें या विधायक बचाओ अभियान कहें वो अलग बात है। फिलहाल अखिलेश यादव यहाँ पर अपनी पुरानी गलती सबक लेते हुए और लगातार यहाँ पर अपने जो पीड़ित साथी हैं या विधायक हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। देखा जाए तो अभी उन्होंने रमाकांत यादव से मुलाकात की, फिर इसके बाद जगदीप से क्या राजनीतिक माने निकाले जा सकते हैं इसके? नंदिनी नारी मैम, मैंने आपको बताया राजनीतिक मायने यही है कि क्योंकि चुनाव आ चुका है और कहीं ना कहीं नाराजगी का दौर जारी था। अखिलेश यादव आजम खान से मिलने 27 महीने वो जेल में निरुद्ध रहे, नहीं गए। हालांकि मैदान तक जब आजम खान आते थे उनसे मिलने जरूर जाते थे, पर जेल में निरुद्ध होते समय उनसे कोई मिलने नहीं गया, तो कहीं ना कहीं नाराजगी का दौर था और कई बार नाराजगी दिखी भी। इसके अलावा सरजी इसलाम, मैंने आपको बताया बरेली से विधायक है समाजवादी पार्टी के, उनके बिल्डिंग पर भी बुलडोजर चला था, वो भी नाराजगी थी। उन्होंने कहा था कोई समाजवादी पार्टी का साथी नहीं आया साथ में साथ देने, कहीं ना कहीं यहाँ नाराजगी थी। शायद उन नाराजगी को ध्यान में रखते हुए वो चाहते हैं कि हमारा जो परंपरागत वोट बैंक रहा है, एमबाई का जो फैक्टर रहा है, उस एमबाई फैक्टर को मजबूत किया जाए। और साथ ही उनके ख्याल से नंदिनी यहाँ पर जिम्मेदारी भी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी भी है और एक सामाजिक जिम्मेदारी, और वास्तव में उसको परेशान किया जा रहा है। जैसा कि आरोप समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष में लगाती है तो उससे मिलने जाना बहुत आवश्यक है। इसको समीकरण भी देखें और सामाजिक व्यवस्था भी देखें और एक जुड़ाव भी देखें। अगर जुड़ाव भी नहीं होगा तो समीकरण कैसे मजबूत होगा, समीकरण नहीं मजबूत होंगे तो संगठन कैसे मजबूत होगा, संगठन मजबूत नहीं होगा तो चुनाव की तैयारी कैसे होगी। अनिल, बात करें इरफान सोलंकी की तो आज उन पर 3 नए केसेस लगाए गए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? जी मैं बता दूं कि लगातार जैसे इरफान सोलंकी पे पहला के बाद लगातार इरफान सोलंकी के ऊपर मुकदमों का एक सिलसिला जारी हो गया। लगभग आज की डेट में उनके ऊपर टोटल 17 मुकदमे हो गए हैं, जिसमें 14 मुकदमे थे जिसमें कुछ केसों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। और उसके बाद आज जो कानपुर में 3 और मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और 3 मुकदमे दर्ज करने के बाद एक गैंगस्टर का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। गैंगस्टर में लगभग 5 लोगों को शामिल किया गया है। 5 लोगों को शामिल करने के बाद इरफान सोलंकी को उसका मुखिया बताया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो मुकदमे हैं इरफान सोलंकी के राजनीति को खत्म करने का एक बड़ा मुकदमा है, और कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी की राजनीति पे इस पर एक बड़ा असर पड़ेगा। और देखने वाली बात होगी कि क्या इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल के बाद उसके उनके पास और कौन कौन से ऐसे मुकदमे होते हैं। इरफान सोलंकी के ऊपर एक और मुकदमा लगा था जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी नागरिक का सहयोग करने का आरोप लगा था। बांग्लादेशी जो नागरिक था उसके उसका जो आधार कार्ड बना था इरफान सोलंकी के लेटर हेड के माध्यम से ही बना था, जो इरफान सोलंकी ने उस लेटर में सत्यापित किया था कि मैं इन व्यक्ति को भली भांति जानता हूं, जिसके चलते लगभग उनके परिवारजनों के समेत लगभग 5 लोग का आधार कार्ड बना था। आधार कार्ड के बाद उन्होंने कानपुर में पासपोर्ट बनवाया था। पासपोर्ट बनवाने के बाद जब पुलिस ने इस पर कार्रवाई की तो कार्रवाई में दो चीजें सामने आई कि बांग्लादेश उनके पास बांग्लादेश के पासपोर्ट थे और कानपुर से पासपोर्ट थे जो कि भारत के निवासी को मूलतः प्रदर्शित करते थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पे एक बड़ा मुकदमा इस पर भी लगाया गया था। इसके अलावा फर्जी आधार कार्ड के मामले में इरफान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज किया गया। कुल मिला के देखा जाए तो ओवरऑल इरफान सोलंकी पूरी तरीके से घिर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि न्यायपालिका से इनको कहां तक कितना न्याय मिलता है। अनिल, बात करें इन सबके बीच में देखा जाए तो कई बार इरफान सोलंकी जो है कई बार इसमें भावुक होते नजर आए, उनके परिवार ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। जी मैं बता दूं कि जिस हिसाब से इरफान सोलंकी जब कानपुर में था, कानपुर से जब उनको महाराजगंज के लिए शिफ्ट किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी काफी भावुक थे और उनके आंख से आंसू आ रहे थे। उसके बाद कुछ वीडियो ऐसे भी मिले जब वो महाराजगंज थाने पहुंच चुके थे, महाराजगंज थाने के बाद बाहर वो खड़े थे और उनके आंखों से आंसू आ रहे थे। हालांकि इरफान सोलंकी ने कुरान का साथ कहीं भी नहीं छोड़ा। इरफान सोलंकी के कुरान हाथ में कुरान यहाँ भी थी और महाराजगंज में भी थी। और जब उनके परिवारजनों से ही बात की गई तो कहीं ना कहीं उनके परिवारजन भी काफी भावुक थे, क्योंकि ये समय इरफान सोलंकी के परिवार के लिए काफी दुखदायी समय है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हो रही, और देखने वाली बात होगी कि आखिर उनको इन सब चीजों में न्याय मिलता है या ये और भी मामलों में इसी तरीके से गिरते जाते हैं। गौरव, बात करें तो झांसी दौरे के बाद जब आज दीप नारायण से मुलाकात के बाद आज अखिलेश यादव ने प्रशासन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए, कहा कि प्रशासन गलत इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहता है। कोई अगर कोई मामला है, अगर वो निरुद्ध है तो 7 ऐसे होते हैं जब भी किसी को निरुद्ध किया जाता है। ऐसे किसी को आप एक पूर्व विधायक हो या विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, उसको ऐसे आप
किसी भी तरह से जेल में नहीं रह सकते हैं। तो जब आरोप मिलते हैं, जब साक्ष्य आरोप लगते हैं, जब साक्ष्य मिलते हैं नंदनी, तभी किसी को जेल में बंद किया जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब विपक्ष है, विपक्ष आरोप तो लगाएगा ही कि यहाँ पर बीजेपी द्वारा लगातार प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब प्रशासन का दुरुपयोग कहें या व्यवस्था कहें या एक न्याय व्यवस्था कहें, उसको कुछ भी कह सकते हैं, पर चूंकि न्याय व्यवस्था है और तमाम तरह के आरोप सिद्ध हो रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, तभी जेल में निरुद्ध है और अस्थि को अखिले जा रहे हो या जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो साथी हैं, जो पूर्व विधायक है दीपनाथ सिंह के बारे में, उनका दर्द भी उन्होंने साझा किया होगा। उस दर्द को जब आदमी बयां करता है, कहीं ना कहीं वो जो दर्द है वो बयां करते समय जो आरोप है वो निकलते निकलता है, कटाक्ष तो एक निकलना स्वाभाविक नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये व्यवस्था देखने वाली है कि आने वाले समय में और तमाम तरह के ऐसे कौन कौन से साथ सामने आते हैं जिससे इरफान सोलंकी और दीपनारायण सिंह यादव की यहाँ पर स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि इरफान सोलंकी का हम देख रहे हैं लगातार उन पर तमाम तरह के नए नए मामले खुल रहे हैं। कभी उन गरीब की झोपड़ी जमाने का इल्जाम लगाया जाता है, कभी फर्जी पासपोर्ट से वो यात्रा करते हैं, कभी बांग्लादेशी को यहाँ पर व्यवस्था कराने को उनके लेटर हेड से भी उनको नागरिक बनाया जाता है। तो तमाम तरह के आरोप है और आने वाले समय में भी किस तरह के और साक्ष्य सामने आते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। कानपुर से हमारे संवाददाता अनिल थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 ने दस्तक दे दी है, तो वहीं बिहार के गया एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले 4 नागरिक कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनमें से बैंकॉक से 3 और एक म्यांमार एक शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में भी एक युवक ने दुबई जाने से पहले जाँच कराई जिसमें उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आगरा से एक 40 वर्षीय व्यक्ति द्वारा COVID-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश को कोविड का दूसरा मामला भी मिल गया है। भारत में कोरोना का BF.7 वेरिएंट, 4 विदेशी नागरिक पाए गए कोरोना संक्रमित, और 9 आगरा में मिले नए वेरिएंट के मरीज। भारत में कोरोना का BF.7 वेरिएंट, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, देखा जाए जिस तरीके से चीन में कोरोना ने फिर से तबाही मचाया है, वहीं अब भारत में भी केसेस बढ़ते मिल रहे हैं। देखिए नंदनी, जो कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो विदेशों में आतंक मचाने के बाद भारत में पैर पसारना शुरू कर दिया गया है। अगर आज की बात करें तो कुल 8 विदेशी नागरिक जो है वो एयरपोर्ट पे कोरोना संक्रमित हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार एयरपोर्ट पे है, गया जाने के लिए 3 बैंकॉक के जो नागरिक थे वो कोरोना संक्रमण का शिकार पाए गए हैं। वहीं एक नागरिक म्यांमार का था, और दिल्ली एयरपोर्ट पे कुल 4 जो है म्यांमार के विदेशी नागरिक थे जो भारत आए थे घूमने के लिए आए थे वो कोरोना पॉजिटिव है, और उनकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया उनके सैंपल को। और जो बिहार में जो गया में जो तिब्बती जो धर्मगुरु दलाई लामा है उनके कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए बिहार से गया जा रहे थे, जहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर जो रैंडम सैंपलिंग हो रही थी उसमें जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और उनके जो नमूने हैं जो सैंपल है उनको जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अब भेज दिया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ये पता चल जाएगा कि ये जो पॉजिटिव मरीज है इनमें किस प्रकार का वेरिएंट है, पुराना वाला वेरिएंट है या फिर जो नया वेरिएंट चल रहा है वो वेरिएंट है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में 8 नए केस, और पिछले 25 से 30 घंटे की बात करें तो 5 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं उन्नाव और आगरा में जो नया वेरिएंट है कोविड का उसके जो है वो केस मिले हैं। और जो आगरा की बात करें, जो व्यक्ति पॉजिटिव निकला है वो एक कारोबारी है, और कुछ दिन पहले वो चाइना गया था अपने कारोबार के सिलसिले में। जब वो लौटा उसको शिकायत आई सर्दी खांसी की, उसने अपनी जाँच कराई तो उसमें वो कोविड पॉजिटिव जो है वो पाया गया था। और उसके बाद जो है उन्नाव और आगरा में नए वेरिएंट के शिकार लोग हो चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ने अपनी दस्तक दे दी है मयूरी। देखा जाए तो विवेक, लगातार चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से लगातार बैठक की जा रही है, नई नई एडवाइजरी भी दी जा रही है, तो लेकिन क्या लगता है जनता कितना इसका मास्क का प्रयोग कर रही है?
देखिए नंदनी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कई बार बैठकें भी की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार अपने अधिकारियों के साथ जो है कोरोना को लेकर बैठक कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री कई बार आदेश दे चुके हैं, यहाँ तक जनता की अपील भी कर चुके हैं कि लोग मास्क का जो है वो मास्क लगाएं, और अपील भी की है कि मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सतर्कता बरतें, क्योंकि कोरोना के लिए सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। वहीं सभी अस्पताल और उनके जो CMS हैं, जो अस्पताल प्रशासन है, उनको भी हिदायत दी गई है कि जो उनकी जगह जो उपकरण है, जो वेंटिलेटर है, जो कोविड उपकरण, उनको दुरुस्त किया जाए। और उसके बाद से जो है कल से जो है प्रदेश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी शुरू होगी, देखा जाएगा कोविड के उपकरण जो है वो कितने कार्य कर रहे हैं। कोविड के लिए बेडों को आरक्षण करने के लिए भी डिप्टी CM ने बोल दिया है। इसके बाद जो वेंटिलेटर की सुविधा है उसको भी देखने को बोल दिया है कि अपनी सुविधा को दुरुस्त करें, और जो ऑक्सीजन प्लांट है उनको भी सुचारू रूप से चालू करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि मास्क लगाने की बात करें, तो जनता में अभी भी जागरूकता का अभाव है। देखिए, ये बहुत दुखद बात है कि हम फर्स्ट और सेकेंड कोविड वेव को देख चुके हैं, इस महामारी को, दंश को झेल चुके हैं, उसके बाद भी लोगों में वो जागरूकता नहीं दिख रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहने हुए हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन तक भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है। उसके स्टाफ, जो डॉक्टर हैं, जो कर्मचारी हैं, मरीज जिम्मेदार जो है, वो भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। ऐसे ही स्थिति अगर बनी रही तो ये संक्रमण जो है, जो नया वेरिएंट है, उसकी संक्रमण की दर काफ़ी ज़्यादा है। वो एक बार में 18 से 20 लोगों को संक्रमित कर सकता है, तो संक्रमण जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है, और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं अस्पताल प्रशासन के द्वारा हो रहा है, और ना ही आम नागरिक के द्वारा। नंदनी, विवेक, देखा जाए तो कुछ दिनों में नए साल का उत्साह लोगों में देखने को मिलेगा, पर्यटन स्थल पर लोगों की भीड़ भाड़ रहेगी, तो किस तरह अभी प्रशासन को और सख्त होने की जरूरत है? देखिए, सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, सब ने निर्देश दिया है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए। बाकायदा अपील की जा रही है लोगों से कि वो मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सतर्कता बरते। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग मास्क पहने, और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन जनता जो है अभी भी जो है मास्क का उपयोग नहीं कर रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जैसे क्रिसमस बीता है, इसके बाद न्यू ईयर का ओकेजन आएगा, लोग पार्टी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, लोग गैदरिंग करेंगे। लेकिन शासन प्रशासन यहाँ पे चीज़ों को जो है वो दुरुस्त करना चाहेगा। जिस प्रकार से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन जो है वो हो रहा है, चाहे वो अस्पताल प्रशासन के द्वारा हो, चाहे वो आम लोगों के द्वारा हो, तो ये एक बहुत बड़ी चूक हो सकती है। क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसने उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है, 2 नए मरीज है, संक्रमण की दर काफ़ी ज़्यादा है, 18-20 लोग संक्रमित हो सकते हैं। अगर इस तरह से नियमों में कोताही बरती गई और कोविड प्रोटोकॉल का लगातार उल्लंघन किया गया, तो हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। लेकिन जो एम्स के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो नया वेरिएंट है वो भारत में उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना प्रभावशाली पहले के वेरिएंट रह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए और प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, जिसकी जो बहुत बड़ी खामी जो है वो देखने को मिल रही है आम लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।